आप सभी विश्वासियों का आज के आराधना में हार्दिक स्वागत है। आज के पवित्र वचन के आह्वान के साथ हम आराधना शुरू करेंगे। भजन संहिता 66 उसके प्रथम दो पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। आज के आराधना का प्रथम गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 76। यीशु ख्रिस्त जी उठा है, हालेलुया। आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण, हालेलुया, कि हमारा करे त्राण, हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Yeah.
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तय से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर हम सबों के लिए शांति का वचन देता है। रोमी 10:9 में हमें ऐसा शांति देता है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु परमेश्वर को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। आज के निमित्त ठहराया हुआ पवित्र वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है योहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय पद 20 से आगे 26 पद लू। योहन्ना 12 उसके पद संख्या 20 से आगे 26 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ हम ऐसा पाते हैं, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास
आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरना नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो आपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यहां तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर के अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठ जाए। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 69। ख्रिस्त यीशु ने हराया शैतान का सारा दल, दोषदायक बांधा गया, नष्ट हुआ पाप का बल, व्यवस्था पूरा किया, क्रोध अपने ऊपर लिया, क्रोध अपने ऊपर लिया, त्राणदाता यीशु ख्रिस्त। Please be.
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन को हमने देखने पाया। आओ प्रभु, आपके पवित्र नाम की स्तुति आराधना हम करने पाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जब आपके निकट आते हैं, करीब आते हैं प्रभु, आप ही स्वयं हमें से हर एक के मन और हृदय को तैयार कीजिए कि आज के पवित्र वचन को हम सुन सकें, सीख सकें। आओ प्रभु, आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने पाएं और मसीह जीवन, मसीह विश्वास और मसीही सेवा में उसकी गवाही देने सकें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है पत्रस की पहली पत्री अध्याय संख्या 2 और पद संख्या 11 से आगे 17 पद तक। पत्रस की पहली पत्री अध्याय संख्या 2 और पद संख्या 11 से आगे 17 पद तक। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह शब का प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। शब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यहां तक आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना वह पत्रस के द्वारा लिखी गई यह पहली पत्री है, जिसे वह उन विश्वासियों के जीवन में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह पत्री उन्होंने लिखी जिस समय वे सताहट का सामना कर रहे थे। कहा जाता है कि यह पत्री लगभग 64 एडी में लिखी गई, और यह उस समय की घटना है जिस समय पूरे एशिया प्रांत में नेरो राजा का शासन था, और कहा जाता है कि वह अपने राज्य में विभाव को लाने के लिए और अधिक विकास को लाने के लिए वह उस क्षेत्र में आग लगाना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि वह उन्नति लाने के लिए, वैभव को लाने के लिए, ताकि उसका मान सम्मान और अधिक बढ़ जाए, उसका वैभव और अधिक बढ़ जाए, इस दृष्टिकोण से उन्होंने पूरे क्षेत्र में आग लगाने का काम करना आरंभ किया। लोग तितर बितर होने लगे, लोगों के घर उजाड़ दिए गए, और इस प्रकार से यहाँ तक कि लोगों
कि लोगों को मार भी दिया गया और इसका कुप्रभाव मसीहों की जीवन में भी पड़ने लगा। कहा जाता है कि नेरो राजा वह यह दोषारोपण करने लगा कि मसीही लोग जो हैं वे ही आग लगा रहे हैं और शहर को राज्य को नष्ट कर रहे हैं। वैसे ही मसीही लोग पहले से ही वे विरोधियों का सामना कर रहे थे, गैर यहूदी गैर मसीही लोग उनके प्रति बुरा दृष्टि रखते थे, परंतु ऐसी घटना होने के बाद वे और अधिक उसके विरोध होने लगे और इस प्रकार से मसीहों को और अधिक सताहट का सामना करना पड़ा, वे तितर बितर होने लगे। और इसलिए मसीह प्रियो उनका संपूर्ण स्थिति परिस्थिति राजा प्रजा सभी लोग उनके मसीहों के विरोध में थे और इन विरोधों के बीच में उनके लिए चुनौती थी कि मसीह की गवाही वे कैसे प्रस्तुत करें, मसीह की गवाही अपने जीवन के द्वारा वे कैसे प्रस्तुत करें मसीह प्रियो। और इसलिए पत्रस प्रेरित उन्हें प्रोत्साहित करते हुए फिर से चुनौती देते हैं और प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम मसीह की गवाही अपने जीवन के द्वारा दे सकते हो और किस रूप में दे सकते हो उसकी शिक्षाएं पत्रस यहाँ अपने पत्र वचन में लिखते हैं। और इसलिए आज के जो संदेश है उसका शीर्षक है क्रिश्चियन एटीट्यूड्स अमीड्स हॉस्टिलिटी। क्रिश्चियन एटीट्यूड्स अमीड्स हॉस्टिलिटी, शत्रुता के मध्य मसीही अभिवृत्ति या मसीही आचरण या मसीही दृष्टिकोण। मसीह प्रियो उनके लिए यह चुनौती थी कि किस प्रकार से संकट के बीच में सताहट के बीच में वे मसीह की गवाही दें। पत्रस यहाँ तीन विशेष बिंदुओं के द्वारा तीन विशेष शिक्षाएं यहाँ प्रदान करते हैं जिसे तीन विशेष बिंदुओं पर हम मनन करेंगे। पहला बिंदु है हॉस्टिलिटी अगेंस्ट सिटीजनशिप। हॉस्टिलिटी अगेंस्ट सिटीजनशिप, नागरिकता के विरोध में शत्रुता। मसीह प्रियो जब नेरो राजा के द्वारा यह दोषारोपण किया गया, मसीहों के जीवन में सताहट बढ़ती चली गई और वे एशिया प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होने लगे। वे एक प्रकार से यात्री के समान उन्हें देखा जाने लगा, परदेशी के रूप में देखा जाने लगा। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उनकी जो नागरिकता थी वह छीन ली गई। अपने घर अपने गाँव अपने क्षेत्र देश से उन्हें बाहर जाना पड़ा, भागना पड़ा। और इसलिए पत्रस उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को परदेशी समझो, तुम अपने आप को यात्री के रूप में समझो। ये संसारिक जो नागरिकता है वह तो क्षण भर के लिए है, वह तो अस्थाई है, लेकिन जो नागरिकता यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है वह अनंत काल के लिए बना रहेगा और वह तो स्वर्गीय नागरिकता है। हर एक मसीही विश्वासियों के जीवन में यह अनुग्रह प्राप्त है कि हम उस स्वर्गीय नागरिकता को प्राप्त करें मसीह प्रिय। और इसलिए इस संसारिक जीवन जो है वह क्षणिक है, लेकिन जो स्वर्गीय जीवन है वह अनंत है, जिसकी बाट हम जोते हैं, इसकी आशा हम रखते हैं। और इसलिए पत्रस उन्हें उसी आशा और विश्वास में उन्हें मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम उसी आशा के साथ में उसी विश्वास के साथ में कि अनंत नागरिकता मसीह यीशु में हमें प्राप्त होता है और वह स्वर्गीय नागरिकता जिसको हम प्राप्त करने वाले हैं वह आने वाला समय में हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इस बात की शिक्षा पत्रस देते हैं। दूसरा बिंदु में पत्रस यह शिक्षा देते हैं और वह तो है हॉस्टिलिटी अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता के विरोध में शत्रुता। हम देखते हैं कि उस समय की जो परिस्थिति थी समाज में संसार में कई प्रकार की बुराई की बातें थी और इन बुराइयों के बीच में उनके लिए चुनौती थी कि मसीही आचरण को मसीही स्वभाव को मसीही गुण को अपने जीवन में कैसे धारण करें और उसकी गवाही कैसे दें। उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण बात थी और इसीलिए पत्रस उन्हें फिर से उसी चुनौती को देते हुए उनसे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हो, विकट परिस्थितियों के बीच में तुम यीशु मसीह पर आशा और भरोसा रख सकते हो, तुम्हारा आत्मिक जीवन में उन्नति हो सकती है। मसीह प्रियो हमारा जो शरीर है, शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, संसार की जो अभिलाषाएं हैं, आंखों की जो अभिलाषाएं हैं, ये जो तमाम बातें हैं हमारे आत्मा के विरोध में कार्य करती है। और पत्रस यहां समझाने का प्रयास करते हैं कि हम उन बातों की ओर ध्यान ना दे परंतु आत्मिक बातों पर ध्यान दे।
और इसलिए रोमी के पुस्तक में पौलुस भी कहता है कि शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पर ध्यान देता है, परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर ध्यान देता है। और इसलिए हमें आत्मा की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें अच्छी बातों को अच्छे कामों को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को ला सकते हैं। जो यहाँ जो गैर यहूदी मसीह विश्वास में आए थे उनके लिए चुनौती थी, वे सांसारिक जीवन जीने वाले लोग थे, लेकिन जब मसीह का अनुग्रह प्रभु का अनुग्रह उन पर प्रकट किया जाता है तो वे मसीह विश्वास में आते हैं और उन्हें फिर से उन्हें ढाढ़स दिया जाता है कि तुम्हारा जीवन पहले का जीवन सांसारिक जीवन था, पापमय जीवन था, बुराईपूर्ण जीवन था, लेकिन अब मसीह यीशु में तुम्हें एक नए जीवन जीने की आवश्यकता है और जो तुम बुरे काम पहले करते थे उन्हें तुम्हें परित्याग करने की आवश्यकता है ताकि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर जो गैर मसीह है वे उनके जीवन में परिवर्तन आए। और जब प्रभु का अनुग्रह पर प्रकट हो तो निश्चित रूप से वे प्रभु का अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और इसलिए मसीह प्रियो हमारा जो अच्छा काम होता है भला काम होता है उसके द्वारा भी लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, इस बात की शिक्षा पत्रस यहाँ देने का प्रयास करते हैं। तीसरा बिंदु जो पत्रस यहाँ शिक्षा देते हैं और वह तो है हॉस्टिलिटी अगेंस्ट लिबर्टी, हॉस्टिलिटी अगेंस्ट लिबर्टी, और वह तो है कि स्वतंत्रता के विरोध में, स्वतंत्रता के विरोध में शत्रुता। इस सांसारिक जीवन में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से हम किन्हीं ना किन्हीं राजा या प्रशासन या गवर्नमेंट के अधीन में हम रहते हैं। और उस बात की शिक्षा पत्रस यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं कि सांसारिक जीवन में हो सकते हैं कि सांसारिक राजा हो, सांसारिक शासन हो, और हो सकता है कि वे बुरे भी क्यों ना हो, लेकिन जब सामाजिक या सांसारिक या राजनीतिक जो भी नियम्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हें हमें पालन करना होता है, उनका हमें अनुपालन करना होता है, हमें उनका अधीन में रहना होता है। और या इसलिए कि हम जब उनके अधीन में होते हैं तो उसके द्वारा हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर के द्वारा ही वे ठहराए गए लोग हैं। हम उस समय की घटना को याद करें जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लाया जाता है और यीशु मसीह पिलातुस से बातचीत करते हुए कहते हैं कि अगर ऊपर से तुम्हें अधिकार नहीं दिया गया होता तो तुम्हारा मेरा पर कुछ भी अधिकार ना होता। अर्थात यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि सांसारिक जो अधिकार है, सांसारिक जो शासन प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वो प्रभु के द्वारा वह स्थापित किया गया है और हमें उनके अधीन में रहना है और उसके द्वारा भी हमें प्रभु की महिमा करना है। यहूदी लोगों का यह मानना था कि जब वे मसीह विश्वास में आ जाते हैं तो वे अपने आप को समझने लगे कि वे स्वतंत्र हो गए, वे आजाद हो गए, अब वे पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। और इसलिए उनका मन में विचार उत्पन्न होने लगा कि अब वे किसी भी व्यवस्था के अधीन में नहीं है, वे स्वतंत्र हैं। लेकिन पत्रस यहाँ उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपनी स्वतंत्रता को बुराई का आड़ मत बनाओ, अर्थात तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो, पाप के लिए तुम स्वतंत्र हो चुके हो, बुराई से तुम स्वतंत्र हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम प्रभु के अधीन हो। और प्रभु के जब हम अधीन हैं तो प्रभु के अनुसार, प्रभु के आज्ञा अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। और इस बात की शिक्षा पत्रस उन्हें देने का प्रयास करते हैं। मसीह प्रियो इन तीनों विशेष बिंदुओं पर शिक्षा देते हुए अपने शिक्षा को एक प्रकार से सारांश में यहाँ व्यक्त करते हैं। 17 पद में सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मसीह प्रियो इस सांसारिक जीवन में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं आज हमारी भी परिस्थिति उन्हीं लोगों के समान है, उस उन मसीहों के समान है जब वे सताहट की स्थिति में थे। आज संसार भी सताहट के समय से गुजर रहा है। आज कोरोना जिससे महामारी बीमारी का प्रकोप आज पूरे दुनिया में है, पूरे संसार में है और भारतवर्ष में और अधिक बढ़ चुका है। प्रतिदिन हम न्यूज़ में, मीडिया में हम यह खबर सुनते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोग हमारे मसीही परिवार में मसीही लोगों को हम मरते हुए देख रहे हैं। मसीह प्रियो पूरे भयावह की स्थिति आज पूरे
संसार में है, पूरे दुनिया में है, लेकिन इन संकट और विपत्ति के बीच में मसीह प्रियो हम आशा और भरोसा रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम यीशु मसीह पर आशा और भरोसा रख सकते हैं। पतरस जब उन्हें उन मसीहों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संकट के बीच में, सताहट के बीच में तुम प्रभु पर भरोसा कर सकते हो, तुम मसीह के गुणों को प्रकट कर सकते हो, तुम मसीह की गवाही को दे सकते हो। आज हमें सहारे के लिए चुनौती है, आज चर्च लॉकडाउन है, आज हम अपने अपने घरों में हैं और प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। आज हमारे लिए भी प्रभु की महिमा करने, प्रभु की गवाही देने के लिए आज हमें भी प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है। आज हम भी अपने घर में रह करके हम प्रभु की स्तुति आराधना और प्रशंसा कर सकते हैं। सांसारिक बुराई है, सांसारिक अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा है, हम अपने आत्मिक जीवन में आज भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में हम उन्नति को ला सकते हैं। आज पूरे संसार में, आज मेडिकल साइंस भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं फेल खा चुका है, जहाँ पे ये कोरोना जिससे महामारी बीमारी का उपचार सही रूप से नहीं हो पा रहा है। आज लोगों को कहा जा रहा है कि घरेलू उपचार कीजिए और उसके माध्यम से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कीजिए। मसीह प्रियो, आज परमेश्वर का वचन के माध्यम से हम अपने आत्मिक जीवन को बूस्ट कर सकते हैं, हम आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकते हैं, हम अपना आत्मा को हम मजबूत कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा, उसकी स्तुति आराधना प्रशंसा करने के द्वारा। मसीह प्रियो, आज हमें प्रभु की ओर लौटने की आवश्यकता है, प्रभु के चरणों तले अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है, और उसके द्वारा आज हमारे चारों ओर जो भी विकट परिस्थिति है उसका हम सामना कर सकते हैं। और इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि हमारी नागरिकता इस संसार के लिए नहीं है। निश्चित रूप से इस संसार से हमें विदा लेना है, हम इस संसार से विदा लेंगे और हमारी जो आशा और विश्वास है वह तो स्वर्गीय नागरिकता है। और इसलिए आज हम इस संसारिक मोह माया से हम फंसे ना रहें, लेकिन उस स्वर्गीय नागरिकता की ओर हम अपना जीवन को समर्पित करें, हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें, बूस्ट करें, और उसी प्रकार से मसीह प्रियो हम सबका सम्मान करें, हम सबका सम्मान करें, सभी लोगों का सम्मान करें, अपने भाइयों से हम प्रेम करें, अपने बहनों से हम प्रेम करें, परमेश्वर का भय माने, और जो इनको जो सम्मान देना है, राजा को जो सम्मान देना है वो सम्मान हम प्रदान करें, और उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत अच्छे आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्यवान परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, पवित्र वचनों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आप इस स्वयं हमें सहरेक के जीवन में यह अनुग्रह प्रदान कीजिए कि संकट की घड़ी में प्रभु हम आप ही पर आशा भरोसा करने सकें, आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने सकें और आपके जीवित गवाही हम देने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 64, जय 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 ख्रिस्त जीता है, आज महायुद्ध से लौटता है, जो उसके राज्य के प्रजा हो सो उसका जय जयकार करो।
आई हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों ओ हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिसन काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बारी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, आज के आराधना के क्रम में हम जो कुछ तेरे नाम से दानों को अर्पण किए हैं, उन दानों पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। जिन भंडारों से और जिन विश्वासियों ने तेरे नाम पर दान अर्पण किया, उनको बहुतायत का आशीष दे। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं, आज संसार में कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई है, बहुत सारे लोग रोग दुख संकट से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस दुनिया में फैल चुका है, हमारे राज हमारे कलीसिया के विश्वासियों के जीवन को व्याकुल तर बेचैन में डाल दिया। प्रभु ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन दुखों को तू अब दूर कर, ताकि हम भले चंगे निरोग पाए जाएं। जो लोग हॉस्पिटलों में हैं और जो लोग घरों में हैं और चिकित्सा के अभाव में कई लोग तड़प रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य हो करके उन सबों को भला चंगा निरोग कर। हमारे राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हर एक डॉक्टर नर्सों को अगुवाई कर, प्रशासन के अधिकारियों को अगुवाई कर, देश के मुख्यमंत्री राज्यपाल को अगुवाई कर कि प्रभु ये तेरे ही दया और प्रेम के द्वारा लोगों की सेवा कर सके और इस दुख से इस रोग से सबों को प्रभु के नाम से छुटकारा दिला सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उसके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और अंत में सब लोगों को पश्चातापी जीवन दे। हमें मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। Thank you.
ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।